तो आज का जो टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम का, वो है हमारा इससे जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे क्लोज लूप सिस्टम और एग्जांपल ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, उसे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उसके क्या एग्जांपल्स हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले अभी तक पढ़ा था कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और कंट्रोल सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो ओपन लूप सिस्टम होता है, एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। तो ओपन लूप सिस्टम के बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं, अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है और ये इसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, और साथ में पढ़ेंगे इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस मीन्स लाभ है और क्या इसकी हानियां हैं। क्लोज लूप सिस्टम, अगर हम हिंदी डेफिनेशन की बात करते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं, तो यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नियंत्रण कार्रवाई किसी भी तरह उत्पादन पर निर्भर है। मीन्स जो आउटपुट है, उत्पाद मीन्स आउटपुट है ना, जो आउटपुट पर डिपेंड है, मीन्स जैसे कि ए सिस्टम इन विच द कंट्रोल एक्शन इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट इज कॉल्ड क्लोज लूप सिस्टम। मीन्स जो पूरा कंट्रोल एक्शन जो होगा किसी भी सिस्टम का, वो उसके आउटपुट पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हमने रूम में एसी चलाया हुआ है, ठीक है ना, अब एसी का टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया कि 25 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। तो 25 डिग्री कैसे रहता है, उसमें कंप्रेसर चलता है, तो वो क्या करता है कि कंप्रेसर चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और जैसे ही आपका रूम टेम्परेचर 25 पे आया तो कंप्रेसर अपने आप को स्लो डाउन करता है, उसी स्पीड अपना कम कर लेता है। तो ये एक एग्जाम्पल है क्लोज लूप सिस्टम का। तो मीन्स एक, जैसे कि हमने सुबह बात की थी, जैसे मैंने सुबह एग्जाम्पल दिया था जब लेक्चर हुआ था अपने ओपन लूप में या सिस्टम कंट्रोल सिस्टम में, कि वॉशिंग मशीन अगर ये कपड़ा जैसे ही धो जाए या सूख जाए, उसी समय पे मशीन हमारी बंद हो जाए, तो वो आउटपुट पे डिपेंड हो गई है, दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप सिस्टम। अगर वो क्लोज लूप सिस्टम मीन्स अगर वो बंद नहीं हो रही है, उसने टाइम इंटरवल के दे दिया, उसी टाइम तक वो चल रही है, दैट इज ओपन लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है कि जो कि किसी भी तरह जो कंट्रोल सिस्टम है, जो कंट्रोलिंग एक्शन है, वो आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप सिस्टम। इसका ब्लॉक डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ब्लॉक डायग्राम, इसमें हमने यहाँ पे दिया है रेफरेंस ट्रांसड्यूसर। तो ये इनपुट ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं, रेफरेंस ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपने इनपुट दिया, जैसे कि अगर मैं किसी भी, आप ट्रांसड्यूसर जानते हो क्या करता है, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी की वन फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे कि अगर करंट है तो करंट को मैकेनिकल में जरूरत पड़ रही, तो डिपेंड तो सिस्टम की वर्किंग क्या है, तो इसका रेफरेंस ट्रांसड्यूसर आप बोल सकते हैं या इनपुट ट्रांसड्यूसर को बोल सकते हैं। तो ये आपने कमांड मीन्स इनपुट दिया यहाँ पर, और ये इनपुट यहाँ पर आया समेशन पर, ठीक है ना। तो इस समेशन का एक्चुअली, ये समेशन को भी प्रोसेस, ये आप अगर अगर ये जो फीडबैक है इसको भूल जाए, इसको हटा दे, सिर्फ इनपुट ट्रांसड्यूसर हो, कंट्रोलर हो, प्लांट हो, तो दैट इज ए ओपन लूप सिस्टम। तो ये आपका लूप ओपन है ना। इसमें क्या हुआ, एक कंट्रोल एक्शन लगा दिया हमने, कंट्रोलर और प्लांट है हमारा जो मेन सिस्टम है, और आउटपुट मिल गया। लेकिन अगर इस आउटपुट का कुछ पार्ट फीडबैक ट्रांसड्यूसर या फीडबैक के थ्रू वापस इनपुट पर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप सिस्टम। मीन्स क्लोज लूप सिस्टम क्या हुआ कि जैसे कि आउटपुट का कुछ पार्ट, आउटपुट जो सिस्टम है उसका आउटपुट कुछ पार्ट फीडबैक ट्रांसड्यूसर के थ्रू वापस इनपुट पर दिया जाए, ठीक है ना। तो दैट इज क्लोज लूप सिस्टम। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं, इसका हर एक एलिमेंट क्या क्या होता है। ये आपका है रेफरेंस ट्रांसड्यूसर, रेफरेंस ट्रांसड्यूसर भी इसको हम बोलते हैं, और इसको हम इनपुट ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर का मतलब सिंपल मीनिंग क्या होता है, ये एनर्जी की वन फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसको हमने सपोज इसका जो आउटपुट है यहाँ पर, इनपुट का जो इसका रेफरेंस ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट है, सपोज हमने किया ये आरटी है। अब एक फीडबैक सिग्नल इधर से भी आ रहा है, सपोज ये बीटी है ना, ये सिग्नल हमारा बीटी है जो हमने फीडबैक से लिया है। फीडबैक मीन्स वापस रिवर्स, इस मतलब आउटपुट का कुछ पोर्शन आपने वापस इनपुट पर अप्लाई कर दिया है। तो सपोज ये बीटी है, तो इस आर टी प्लस माइनस बी टी, अगर वो ये फीडबैक आपका यहाँ पे ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या है। जैसे कि सपोज
आपको रूम टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, एसी का एग्जांपल लेते हैं कि एसी क्या करता है कि कंप्रेसर हमारा चला रहा है, रूम टेम्परेचर हमारा कम है अभी, ठीक है ना। तो रूम टेम्परेचर मीन्स सपोज हमने मेंटेन करना है 25 और अभी हमारा टेम्परेचर चल रहा है 39 हो रहा है, तो हमारा कंप्रेसर बहुत तेज चलेगा और यहाँ पर क्या है आउटपुट बार बार, अब आउटपुट यहाँ से मैच होता रहेगा। सपोज अब 30 हो गया, अब 30 फिर वो फीडबैक जाएगा नहीं अभी 30 है, अभी कंप्रेसर और तेज चलाना है और तेज चलाना है, ऐसे चलता रहेगा फीडबैक का पार्ट। तो मींस ये जो जैसे 25 पे पहुंचेगा तो बोलेगा 25 यहाँ पे हो गया है, अभी इसको यहाँ पे कट कर देगा और ये आपका जितना भी फीडबैक आ रहा है इसके हिसाब से इनपुट से उतना ही पावर आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं एरर सिग्नल, मीन्स जो फीडबैक सिग्नल और मेन सिग्नल का जो डिफरेंस या प्लस, इसको प्लस माइनस बोलते हो आप, आरटी माइनस प्लस माइनस बीटी, आरटी प्लस माइनस बीटी इक्वल टू ईटी, ठीक है ना। ईटी क्या हुआ आपका एरर सिग्नल, तो ये आपका हुआ एरर सिग्नल। तो एरर सिग्नल किसको दिया आपने, कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल करता है, एक्स कंट्रोल एक तरह से आपका कंट्रोलिंग एलिमेंट है, ठीक है ना। तो वो कंट्रोलिंग एलिमेंट जैसे कि फैन के केस में क्या था, रेगुलेटर था, उस तरह से कंट्रोलिंग एलिमेंट है। ये मैनिपुलेटेड सिग्नल हुआ, इसके बाद जो एरर सिग्नल है वो कंट्रोलर से पास होने के बाद आपका मैनिपुलेटेड सिग्नल हुआ, जो जिसको हमने बोला एमटी। ये आपका प्लांट मींस मेन सिस्टम को दिया गया, जो आपका मेन सिस्टम है उसमें दिया गया, तो आपका आउटपुट आया। आउटपुट का फिर से कुछ सपोज ये आउटपुट आपका कंट्रोल आउटपुट आपका सीटी है, अब सीटी का कुछ पोर्शन आपने वापस फीडबैक ट्रांसड्यूसर मींस जो आपको इसको रिवर्स वापस जा रहा है, इसको बोलते फीडबैक ट्रांसड्यूसर, तो फीडबैक के थ्रू वापस इसको दे दिया है। तो ये होता है आपका जो सिग्नल आईपी से इनपुट कमांड से लेके जो सिग्नल, ये पाथ जो होता है, ये वाला पाथ, ये कहलाता है आपका फॉरवर्ड पाथ, अग्रिम पाथ, ठीक है ना। और जो वापस होके कुछ पाथ आ जाता है वापस इनपुट पर, दैट इज कॉल्ड फीडबैक पाथ। तो इसको बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम, इसको बोलते हैं क्लोज लूप सिस्टम। और ये अभी जो हमने पढ़े हैं ये थे क्लोज लूप सिस्टम के एलिमेंट्स। क्लोज लूप सिस्टम के एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, रेफरेंस ट्रांसड्यूसर एक एलिमेंट हुआ, एक एलिमेंट हुआ ये समर को भी आप एक एलिमेंट बता सकते हैं यहाँ से एरर सिग्नल आ रहा है, एक हुआ आपका कंट्रोलर, एक हुआ प्लांट, एक हुआ फीडबैक ट्रांसड्यूसर। इसमें दो पाथ होंगे, एक फॉरवर्ड पाथ एक रिवर्स पाथ। तो ये था आपका ओपन लूप सिस्टम, सॉरी क्लोज लूप सिस्टम, उसका ब्लॉक डायग्राम। तो अब हम इसको अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं कभी भी जो पढ़ने के लिए, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये आपका समेशन पॉइंट है, कोई थीटा आई इनपुट हो गया, और ये जो फॉरवर्ड गेन होता है, एक मिनट इसको देख लीजिए कि गेन क्या होता है, कि गेन होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इस सिग्नल का जो गेन होता है पूरा, ठीक है ना, ये जो पूरा पूरा फॉरवर्ड पाथ है, ये आपका कंट्रोलर और प्लांट मिला के जो फॉरवर्ड पाथ बनाते हैं, सपोज कि हमने इसका जो गेन है वो जी है, और जो फीडबैक सिग्नल है, ये जो फीडबैक मीन्स जो फीडबैक पाथ है, इसका गेन अगर एच है, एच, तो उसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि थीटा आई आपका इनपुट हुआ, ये आपका समेशन पॉइंट पे गया, और ये जो फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना था, जी गेन इसको शो कर दिया हमने, ये आउटपुट है, और जिसका फीडबैक पाथ होता है इसका गेन कितना था, एच। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में, शॉर्ट नोटेशन में शो कर सकते हैं क्लोज लूप सिस्टम को। तो ये मेन आपका ग्लो डायग्राम हुआ और इसका शॉर्ट नोटेशन हुआ। तो अभी तक क्लियर हो गया होगा, ऑल क्लियर, समझ में आया बच्चों? नाउ अब पढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स। नाउ क्लोज लूप सिस्टम का जो एक एग्जांपल है, ये आपका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन। जो आप आयरन होती है आपके घरों में ऑटोमेटिक वाली, वो आपने यूज भी की होगी अच्छे से, तो उसका क्लोज लूप सिस्टम का ये एग्जांपल है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप प्रेस करते हो आयरन से, जब कपड़ों को आयरन करते हो, तो क्या होता है कि जब उसकी हीटिंग बहुत ज्यादा पहुंच जाती है, जो आपने एक समय ये वाला जो पॉइंट होता है बीच में यहाँ पे, ये एक इसका सेटिंग वो होता है कि आप किस तरह कपड़े को प्रेस कर रहे हो, उस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो किस तरह कपड़े को आप आयरन कर रहे हो। तो जैसे वो डिजायर्ड जो टेम्परेचर होगा, जैसे ये इसका हीटिंग वहां तक पहुंचेगा, तो ये ऑटोमेटिक कट जाती है पीछे से पावर, और जैसे ये वापस ठंडा होने से हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका एक तरह से फीडबैक सिस्टम है, ये आपका फीडबैक आ रहा है कि यहाँ कितना हीट हो गया, जैसे ज्यादा हीट होने लग जाता है तो फीडबैक सिग्नल देता है वापस इनपुट को कि भाई अब कट पड़ जाए, तो उसके बाद पावर कट जाती है। जैसे कि आप क्या करते हो,
फिर एक डिजायर्ड टाइम आपने सेट किया हुआ है कि इस टाइम तक इतना एनर्जी का चाहिए, वो टाइमर में आपने दे दिया। एक हीटिंग एलिमेंट इसके अंदर होता है, और जो आउटपुट है क्या, वो आपके कपड़े, एक्चुअली आपके जो कपड़े हैं जिन्हें आप प्रेस कर रहे हो उसको आप आउटपुट, ये आपका प्रोसेस हो गया, ये आपका प्लांट हो गया है ना। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से एक फीडबैक दिया हुआ है सेंसर के थ्रू, इसमें एक सेंसर लगा रखा है जो कि इसको टाइमर को जा रहा है, टाइमर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, तरह समीशन का काम कर रहा है। तो ये इस तरह से ब्लो डायग्राम हो गया इसका, और ये क्या कर रहा है, जैसे ही डिजायर टेम्परेचर पर इसका पहुंचता है हीट, तो टेम्परेचर जो एक्चुअल टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ है जिस तरह से इसके ग्लोब के थ्रू, उस टेम्परेचर पर आते ही ये उसका पावर को कट कर जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल किसका हुआ, क्लोज लूप सिस्टम का। आई थिंक आप सब लोग समझ गए होंगे कि जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन जो आप लोग घरों में यूज करते हो, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। नाउ और दूसरा एग्जाम्पल है आपका सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। जो आप लोग स्टेबलाइजर यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टेबलाइजर की जैसे ही पावर ज्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिक कट कर जाता है, ठीक है ना। और पावर मतलब आपको आउटपुट में मेन मेंटेन रखता है स्टेबलाइजर। क्या होता है कि स्टेबलाइजर क्या करता है कि आपका जितना भी वोल्टेज आपको डिजायर्ड है उसको मेंटेन रखता है, किसी से वो कम आ रहा हो ज्यादा आ रहा हो, अगर ज्यादा कम हो जाए तो कट कर जाता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इसका कंट्रोल लूप सिस्टम का। नाउ परस्पिरेशन, ये क्या होता है, परस्पिरेशन होता है एक तरह से हिंदी में उसको बोलते हैं पसीना, आपकी बॉडी होती है, ठीक है। आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी डिजायर्ड टेम्परेचर पहुंचती है तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। फिर ये पसीना आने पर अगर जैसे ही आप थोड़ा सा वापस टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, पसीना आना फिर से बंद हो जाता है। तो इट इज एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। तो एक दूसरा एग्जाम्पल है, एक नया एग्जाम्पल है किसका, क्लोज लूप सिस्टम का। तो भी आप एग्जाम्पल ब्लू डायग्राम के थ्रू आप एग्जाम में अच्छे से शो कर सकते हो। तो ये था आपके तीन एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं क्लोज लूप सिस्टम के, उसके और भी बहुत सारे क्लोज लूप सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। आई थिंक अगर आप समझ गए होंगे तो आप अपने घरों में जो अप्लायंसेज यूज हो रहे हैं, जो भी सिस्टम आप देखते हो, वो किसी भी तरह का सिस्टम हो, तो उसको आप देख सकते हैं कि ये ओपन लूप है या फिर ये क्लोज लूप है। नाउ अब हम बात करते हैं क्लोज लूप सिस्टम के फायदे, लाभ। क्लोज लूप सिस्टम जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें लीनियरिटी नहीं होती है इतनी ज्यादा, ठीक है ना। मीन्स तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपको जस्ट याद करने की बात है तो क्लोज लूप सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट होते हैं लो लीनियर होने के बाद भी, ठीक है भाई। दूसरा इसका एग्जाम्पल, दूसरा इसका फायदा होता है कि इसकी जो हाई एक्यूरेट एज Any error arising is corrected due to the presence of feedback. Means ये highly accurate होते हैं क्योंकि इसमें feedback signal होता है, और कोई भी छोटी मोटी error आती है तो feedback के through वो correct की जा सकती है, जबकि open loop system में कोई भी उसका output correct नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें इसको हम output को या त्रुटि को ठीक कर सकते हैं। तो ये another example of another benefit of closed loop system. इसकी जो bandwidth range होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और ये इसी फीडबैक सिस्टम की वजह से ही ये क्लोज सिस्टम ऑटोमेशन को हेल्प करते हैं। इन्हीं की वजह से ऑटोमेशन जो इंडस्ट्रीज है उसमें क्लोज सिस्टम की वजह से ही वो सब फैसिलिटेट हो जाती है। मींस ऑटोमेशन आपका फैसिलिटेट होता है, मींस ऑटोमेशन इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है कि बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना, ताकि अगर हल्का सा भी आउटपुट में चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग इनपुट अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो ये मोर स्टेबल है, सेंसिटिविटी होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ये आपका जो सिस्टम है नॉइज से बहुत कम इफेक्ट होता है। मींस ये नॉइज से या शोर से कम प्रभावित होते हैं। तो ये थे आपके लगभग छह बेनिफिट्स है क्लोज लूप सिस्टम के। अब हम बात करते हैं नुकसान, मींस इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लोज लूप सिस्टम क्या क्या होते हैं। तो जो क्लोज लूप सिस्टम होता है, पहला तो होता है कि ये कॉस्टलियर है, फीडबैक सिस्टम होने की वजह से ये महंगा होता है, कॉम्प्लिकेटेड टू डिजाइन, क्योंकि इसमें फीडबैक लग जाता है तो कॉम्प्लिकेशन, इसको डिजाइन करने में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो वापस आप वापस फीडबैक सिग्नल देना है सिस्टम को, फिर उसके हिसाब से उसको रोकना है जो मेन इनपुट आ रहा है, या उनको घटाना है बढ़ाना है इनपुट से जो क्वांटिटी आ रही है, तो वो चीज इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देती है डिजाइन करने में। रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस, ऑब्वियसली बात है जब वो डिजाइनिंग कॉम्प्लिकेटेड मेंटेनेंस भी इसकी ज्यादा ही होती है। फीडबैक सिग्नल लीड्स टू ऑसिलेटरी रिस्पांस,
फीडबैक होने की वजह से क्या होता है कि ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मीन्स जैसे कि ऑसिलेटिंग ऑसिलेशन दोलन, तो सिस्टम एक कॉन्स्टेंट ना आके आपका ऊपर नीचे होता रहता है फीडबैक होने की वजह से, क्योंकि कभी कम चला गया फीडबैक, कभी ज्यादा फीडबैक चला गया, तो उसकी वजह से आउटपुट आपका एक कॉन्स्टेंट आउटपुट ना आके ऑसिलेटरी रहता है, मीन्स चेंज होता रहता है दो तीन क्वांटिटी के बीच, दो तीन क्वांटिटी के बीच में। ओवरऑल गेन इज रिड्यूस्ड फीडबैक। एक्चुअली क्या होता है कि जो ओपन लूप सिस्टम होता है उसका जो गेन होता है, तो अगर आपने फीडबैक दे दिया तो जो ओवरऑल गेन होता है पूरे सिस्टम का, जो ओवरऑल लाभ होता है पूरे सिस्टम का, वो घट जाता है अगर आपने नेगेटिव फीडबैक दिया है, पॉजिटिव ठीक है। और सिस्टम की जो और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम एंड मोर केयर इज नीडेड टू डिजाइन द स्टेबल, मींस एक्चुअली सिस्टम तो स्टेबल होता है क्लोज सिस्टम, लेकिन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए इस क्लोज सिस्टम की ज्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ये ऐसे नहीं कि बस हो गया, लेकिन इसकी केयरिंग ज्यादा होती है, ऑब्वियस बात है, मेंटेनेंस ज्यादा तभी जरूरत पड़ रही है जब हम केयर ज्यादा कर रहे हैं किसी सिस्टम की, तो ये आप किसके नुकसान है। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्लोज लूप सिस्टम। अब बताइए क्लोज सिस्टम में कोई दिक्कत?